जैसे दुख में हो चाहे सुख में हो, इनके पास आते हैं पूरा दिल के संतुष्टि मिल जाता है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये देखिए भाई, गौ प्रेम क्या होता है, अगर आप समय के साथ अपनी गौ माता के साथ ऐसे प्रेम करते हो तो वो भी आपके साथ प्रेम करेगी, और आपके पास अगर दुख है सुख है तो आप इनके साथ साझा कर सकते हो। आप करते हो इनके साथ साझा? हाँ जी, बहुत। जैसे मानिए हमारे कभी मन में हमारे रोने के विचार आए चाहे कुछ भी आए, हाँ, अगर इनके पास आए ना तो अंदर से पूरा दिल खुश हो जाता है। ये बात, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने आज मेरा दिल खुश कर दिया भाई, हाँ, ये सब दिखा करके। आज तक हम मंदिर में नहीं गए। अच्छा। माँ इन्हीं को बोलते हैं, सब कुछ भगवान यही है हमारे लिए। ठीक, ये तो इसमें तो सारे के सारे देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन आज का जो समय है वो हर कोई नहीं समझता ये बात। ठीक है, ठीक। तो हम आज तक कभी मंदिर में गए नहीं, 4 साल हो गया आज तक मंदिर पे हम गए नहीं, कैसा हमारे लिए भगवान है, देवी देवता सब कुछ है। ये देखिए भाई, इन्होंने इन्हीं गौ माता को ही अपना मंदिर सब कुछ मान लिया है, और यहाँ पर वो समय व्यतीत करते हैं। ये देखिए भाई सांड, नंदी महाराज को देखिए भाई आप, कितना शानदार नंदी महाराज है। ये देखिए आप, गिर नस्ल का ये नंदी महाराज आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देख कैसे दौड़ लगा रही है, अब ये खुले में यहाँ पर चल रही है। इसका नाम अभिमन्यु है, नाम से ही भाई बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। ये देखिए आप, पीछे भी है, पीछे भी दिखा देना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी, ये यहाँ पर ऐसे ही घूमती हैं, चारा खाती हैं, खुले में इनको ऐसे ही छोड़ा जाता है। अभी इसको बाहर लेकर के जाओगे आप, जैसे हर रोज आप ऐसे बाहर लेकर के जाते हो, तो उससे जो आपका जो खर्चा है यहाँ से, उसका उसके बारे में जो बताइएगा आप। उसका खर्चा तो देखिए, हम लोग घास हमारा एक टाइम का बचता है। हाँ, एक टाइम का घास नहीं हो तो हमारा दिन का एक टाइम का घास बच जाता है। हाँ हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर गोचर भूमि होगी हमारी गायों के लिए तो इनका खर्चा भी कम होगा। हाँ जी, सबसे बेस्ट है, सबसे इनका खुराक भी कम है बहुत ज्यादा। हाँ, बाकी सब गाय से इनका खुराक काफी कम है। ठीक, कम खाएंगे, दूध के क्षमता ज्यादा है, इसी है। अच्छा, इनमें अच्छा क्वालिटी भी है, व्यवस्था भी है। जो अगर इनका गोसा से हम लोग अपने घर में आहुति करते हैं, इनका गोबर से और इनके इथी से, घी से, हाँ, तो उससे घर में प्रदूषण साफ रहता है, हजारों बीमारियां उससे कटता है।